नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के यमुनानगर में कलानौर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ ग्रामीणों ने अभद्र व्यवहार करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोप में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से पुलिस चौकी इंचार्ज सतीश कुमार आए हैं, तब से इलाके में नशे के सामान बिक रहे हैं, अवैध माइनिंग हो रही है। झगड़े के एक मामले में एक पक्ष के खिलाफ तो मात्र 107 151 की धारा लगा दी, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यमुनानगर के कैल इलाके के रहने वाले पूर्व जिला परिषद सदस्य लाल सिंह का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने उनसे जाति सूचक शब्द बोले, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि जब तक उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता, तब तक वे ग्रामीण समेत धरने पर बैठे रहेंगे। यमुनानगर से हमारे संवाददाता विकास कल्याण की रिपोर्ट। मेडिकल है, एक बंदे का टून निष्ठा क्या, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 बंदे थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। झगड़ा हुआ था उसमें, तो पार्टियों के चलाव ने भी मारे गए उनके भी, और जब गए चौकी इंचार्ज जाएगा सर, दुनिया भर का पैसा लूट का खाएगा जी। और हर रोज मुझे 4 दफा चौकी में टॉर्चर करता बुला के, अब भी मैं थाने में बुलाया सच्चो साहब ना, ये बोला था झूठ कह रहा, ऐसे चुमो के बिगड़े पूछ लो थाने में दाग नहीं। उसके बाद मेरे से बोला थाने चमार गिट्टल, मेरे पर लाद ने चमार गिट्टल कैसे लाद करूंगा। मैंने कहा अभी तक लाद का क्या लेगा, हम तो तेरी चौकी में रहे सर। इसके खिलाफ 30 इंचार्ज के मेरे समाज को और मेरे को बहुत बड़ी मान सम्मान पहुंची है। इसके खिलाफ एससी एक्ट का पर्चा दर्ज होना चाहिए। अगर इसके खिलाफ से अफसर आदेश कोई नहीं लेते तो हम पूरा धरना, चाहे 10 दिन चले 15 दिन चले, हम शांति प्रिय अपनी मांग को मांग के उठेंगे और ऐसे नहीं उठेंगे। और अपने मुकदमे को क्रॉस केस करना होना चाहिए, मुकदमे का क्रॉस केस होना चाहिए, यह हमारी मांग है। एक सुरंदर हवलदार है, जैसे ऐसे चौथा से मिलकर मैं आया थाने में अभी 2 बजे, इतनी देर में चौकी इंचार्ज का फोन जाता है, बोलिया सीधी अंगली से आवाज टेडी करूं। मैं कहा भाई ऐसे क्या बात हो गई, बोलिया सारे चमार चूट लाद देने का, मुझे पता कैसे लदगाते हैं। मैंने कहा अभी तो लाद का क्या करें, हम तो खुद ही चलगाते हैं, हम इसकी चौकी में जो ऐसा फंसी देनी मर देते। ऐसे मामला क्या था? मामला वही झगड़ा सर, एक तरफी कार्रवाई कर रही है जिसमें चलान भी हो चुके दोनों पार्टियों के, फिर भी तंग करता है। कैद का सर, कैद दूसरी पार्टी के 107 क्या कर रहा और हमारे पे धारा लगाता है। हम कह रहे भाई दोनों के लिए बराबर कर दी, हमारा धारों में चलान कर रहा, दूसरी पार्टी से पैसे ले गए 107 क्या कर, ये मामला इसमें बैठाएगा वो अपनी एप्लीकेशन पर पैर लेटर जनाब। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो मैं कलानौर बॉर्डर पे अपनी मान सम्मान की बचाने के लिए कलानौर बॉर्डर पे सतीश के नाम से अपनी आत्महत्या करूंगा। मैं खुला चैनल मीडिया में कह रहा हूं, क्योंकि मैंने समाज को चलाना है और मैं समाज को बड़ी चलाता हूं। पर सतीश जब का लगा यहां पर खुली स्मैक और खनन का काम होता है सर, सारे अफसर जानते हैं। ये कहता है मैं जाट हूं और ये हूं, इसकी पूरी दादागिरी चल रही है, पूरी दादागिरी। आज मैं इसके इंसाफ लेने के लिए चाहे मेरे को यहाँ एक महीना रहना पड़ा, मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये हमारे साथ बड़ा धोखा कर रहा है। मैं पास में मेरा गांव है, भ्रष्टाचार इंचार्ज ऐसे इंचार्ज मैं सरपंच हूँ, किसी विषय में कहें लोग परेशान है इसलिए खड़े हैं, परंतु जब से सतीश कुमार है ना जी, यहाँ इन्होंने तालिबान बना दिया, खुली स्मैक भी गिरी, ट्रेनियों से पैसे लिए जा रहे। अगर कोई गरीब आदमी, ये चौकी किस लिए बनी गई, ये चौकी मजलूमों के लिए बनी गई, अगर किसी के ऊपर इतना चार हुआ है उसके ऊपर ये चौकी बनी गई, अगर कोई अंदर जाके बैठ जाता है ना, ये धमका के बाहर निकाल, बाहर निकालो, क्या इसके बाप ने चौकी बनी है? ये हमारी खून पसीने की चौकी है, हम सरकार को टैक्स भरते हैं, जब जाके इनको तनख्वाह मिलती है, इंसाफ नहीं करते, इंसाफ नहीं होता बिल्कुल भी। अरे इसको क्या अधिकार है किसी के, इस मामले में क्या चाह रहे हैं? मैं इस मामले में ये कह रहा हूँ, ये जो गरीब बंदे खड़े हैं इनको चमार गिट्टल कहा, इनको इंसाफ मिलना चाहिए और ये यहाँ से बदलने जाना चाहिए, इसको सस्पेंड करना चाहिए, एससी एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लोग इतने परेशान है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, यहाँ कुछ नहीं होता। जब कुछ एससी एक्ट को लेकर कोई ऐसा कुछ का
जैसे ही दो तीन चार दिन से बताया कोई यहाँ पर किसी ने धरना प्रदर्शन कर दिया। ये धरना प्रदर्शन एक कोई आज से तकरीबन तीन महीने पहले कोई लड़ाई लड़ गया केस का। इनकी पहली इन्वेस्टिगेशन अपने एच सी सुरेंद्र कुमार जी के पास थी। इसमें नामजद आरोपी पांच पहले ही हमने गिरफ्तार कर लिए। दूसरे नामजद आरोपी जो इब फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसकी डीएसपी प्रमोद जी, अपने जो डीएसपी हैं श्री प्रमोद जी, उनके पास इनकी इन्वेस्टिगेशन है। उनके दिशा निर्देश अनुसार शामिल तफ्तीश के लिए आदेश दिए गए। जो अपने चौकी इंचार्ज हैं इन्होंने बजरिया टेलीफोन इनसे सूचित किया, भाई आपको शामिल तफ्तीश होने के लिए आप यहाँ पर आओ। इस विरोध में इन्होंने शामिल तफ्तीश होने के लिए इस विरोध में इन्होंने ये प्रदर्शन किया। ऐसा कोई भी अपशब्द नहीं कहा, ऐसी कोई भी पैसे की बात सामने नहीं आई जो ये प्रूव कर सके। तो ये रिकॉर्डिंग इसके हाथ में है, ऐसी हमने पूरी बात सुन ली है। ओनली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने बोला था, अगर और कोई बात नहीं है। अगर आप इस रिकॉर्डिंग को आप सुनना चाहें तो सुन सकते हो। उनके लिए डीएसपी साहब ने साथी क्या उनके लिए बोल रखा है। इनका रोष प्रकट ये है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करो। हमने ऑलरेडी पहले तीन आदमियों की साथी क्या कर चुकी है। डीएसपी साहब के आदेश अनुसार इनको शामिल तफ्तीश ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करना बाकी। अगर पैसे का ये तो इससे बचने के लिए चौकी इंचार्ज इनको शामिल तफ्तीश करने के लिए ही आप पैसे का आरोप लगा नहीं, अदरवाइज पहले भी लगा सकते थे, पहले भी अफसर से मिल सकते थे। ये आज ही क्यों किया इन्होंने? नहीं, अगर चलो आज है, इन्होंने पहले भी अगर ये बात होती, तीन महीने से केस है, उससे पहले भी आप ये कर सकते थे। भाई अगर कोई पैसे की बात है, लेना है, देनी है तो अपने। ऐसा सर केस क्या था, किस धारा में था जो आज प्रदर्शन हुआ है? हाँ जी, ये क्या केस क्या था? इसका लड़ाई झगड़ा केस था, ये रहा अपना एक इन पे थी अंडर सेक्शन 148, 349, 323, 425, 452, 427। पांच आदमी पहले अरेस्ट हो चुके हैं। जो डीएसपी साहब श्री प्रमोद जी ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए थे, उससे बचने के लिए इन्होंने ये रोष प्रदर्शन किया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।